पेशपड़वा से करीब 11 किलोमीटर चंदनपुर वाले रोड पर एक जगह है गुहारगड्डी बांध, एक अनोखा मंजर जो मैं आज आप सबको दिखाने वाला हूं। और ये जगह डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइडर रूपी 47 में। तो चलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि काफ़ी ख़तरनाक नज़ारा गुहारगड्डी बांध का, जो पचपड़ा से करीब 11 किलोमीटर दूरी पर चंदनपुर वाले रोड पर स्थित है। बरसात के मौसम में अक्सर ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन ये पहली बार हम इस तरह का नज़ारा देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा पानी बह रहा है रोड पर। लोग निकलने के लिए परेशान हैं कि किस तरह से इस पार से उस पार जाएंगे या उस पार वाले इस पार आएंगे। काफ़ी ख़तरनाक मंजर है ये। और यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं जो ग्रामीण हैं देखने के लिए इस बाढ़ को, यानी चारों तरफ यहाँ पर पानी ही पानी एकदम से पूरा फैला हुआ है। और उसके बाद में हम बता दें कि जो ग्रामीण वाले हैं ये यहाँ पर मछलियों का शिकार इसी बहाने लगे हुए हैं कि चलिए बाढ़ आया है तो हम मछलियों का शिकार भी करेंगे। आप देख सकते हैं तलपटने को छानते हैं, उसमें मछलियाँ पकड़ेंगे और अच्छी मछली भी मिलेगी यहाँ पर। और उसके बाद में फिर वहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा तलपटना इसी पानी के साथ में बह रहा है, यानी जो बांध का कचरा था वो कचरा सब इसी बहाव के साथ में साफ हो जाएगा। और उसके बाद में फिर वहाँ पर आप देख सकते हैं रोडवेज बस किस तरह से फंसी हुई है। तो रोडवेज बस फंसी हुई है कि वो सुबह 8 बजे या 7 बजे को जा रही थी बलरामपुर के लिए, तो पानी का बहाव काफ़ी तेज था, तो उसने सोचा कि हम निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो वो निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाढ़ इतना तेज था कि उसका अगला वाला पहिया जो है वो डिप के नीचे चला गया। ये तो अच्छा हुआ कि कम से कम जो पैसेंजर थे पैसेंजर बच गए, यानी पलटी नहीं बस, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन किसी तरह से बस को वहाँ पर कंट्रोल कर लिया और बस वहाँ पर खड़ी है। अब देखिए कोई चीज़ आएगी जिससे मतलब वो निकल सके, जैसे ट्रैक्टर हुआ या क्रेन हुआ, मतलब जो भी है जेसीबी हुआ, जो भी मतलब आएगी उसी से निकल पाएगी। तो दोस्तों हम बता दें कि हमारे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार गुहारगड्डी बांध वाला जो डिप है उस डिप पे इतना तेज़ बाढ़ आया हुआ है, वहाँ की वीडियो बनाने के लायक है। तो दोस्तों मैं भागा हुआ चला आया और उसके बाद में जब यहाँ का मंजर मैंने देखा तो काफ़ी ख़तरनाक था। ट्रैक्टर आ गई है, अब देखो ये निकलती है कि नहीं निकलती है, कैसे निकलती है, बस आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा। अब ट्रैक्टरों में रस्सियां बांध दी गई है, अब उसी के जरिए से खींचा जाएगा। और ये कंडक्टर है, कंडक्टर अपना डायरेक्शन दे रहा है भाई ट्रैक्टर वाले को कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, पानी काफ़ी ज़्यादा बह रहा है, बस किसी तरह से निकल जाए। अब कुछ लोग तो यहाँ पर परेशान है कि बस किसी तरह से निकल जाए, और कुछ लोग उधर आप देख रहे हैं कि मतलब इंजॉय कर रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कुछ भी था आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया, अब ये बस ट्रैक्टर के जरिए से निकलेगी और कोई रास्ता नहीं है बस को निकालने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमें सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट